इंदौर लसुड़िया थाना घेराव मामले में पुलिस ने करनी सेना के जिलाध्यक्ष सहित 50 लोगों के खिलाफ यातायात प्रभावित करने पर बलवा की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल लसुड़िया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 114 साईबाग कॉलोनी में रहने वाले वैभव अरोड़ा ने करनी सेना के जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिसोदिया, संजीव चौधरी और गोलू के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में करनी सेना के जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिसोदिया ने अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया था। बड़ी संख्या में पहुंचे संगठन के कार्यकर्ता द्वारा यातायात को प्रभावित करने और बयानबाजी को लेकर पुलिस ने बलवा सहित अन्य धाराओं में 50 से भी अधिक करनी सेना के समर्थकों और जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। संगठन द्वारा प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर थाने के सामने प्रदर्शन किया गया था, जो कि बिना किसी अनुमति के था। कथित व्यक्ति अपने आप को संगठन का अध्यक्ष बता रहा था। उक्त व्यक्ति व इसके अन्य साथियों के विरुद्ध थाने पर FIR पंजीबद्ध की गई है। चूंकि मार्ग अवरुद्ध हुआ था और बिना किसी अनुमति के इनके द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया था, इसी बात पर FIR पंजीबद्ध की गई है। अभी वर्तमान में आरोपियों की तलाश जारी है तथा वीडियो फुटेज और CCTV फुटेज के आधार पर इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है तथा इनके नाम उजागर किए जा रहे हैं।